सोलन के ठोडो मैदान पिछले काफी समय से सुनसान पड़ा था क्योंकि खिलाड़ी कोरोना कर्फ्यू के चलते मैदान में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब जिला प्रशासन ने कर्फ्यू का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया है, तो ऐसे में हर उम्र का व्यक्ति इस समय का सदुपयोग कर रहा है और मैदान में आकर अपने शरीर को फिट रखने के लिए घंटों पसीना बहा रहा है। खिलाड़ियों ने इस मौके पर कहा कि वे करीबन 2 महीनों से अपने घरों में लॉकडाउन थे, जिसके चलते वे बेहद मायूस थे। उनकी खेल प्रतिभा लॉकडाउन होने के चलते चार दीवारी में दम तोड़ रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने काफी ढील दी है, जिसके लिए वे प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस ढील की वजह से अब मैदान में खेलने आ रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक खेल भी खेल रहे हैं और व्यायाम भी कर रहे हैं। युवाओं ने इस मौके पर कहा कि उन्हें काफी समय बाद आजादी मिली है, क्योंकि वे करीबन 2 महीनों से लॉकडाउन के चलते घरों में कैद थे। कर्फ्यू के नियमों के चलते वे मैदान में नहीं आ सकते थे, जिसके चलते वे खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वे सोलन के ठोडो मैदान में खेलने आ रहे हैं, जिसके चलते वे बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि वे मैदान में सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे जल्द जिम्स को भी खोल दे, ताकि वे अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकें। उन्होंने कहा कि तंदुरुस्त शरीर में ही शक्तिशाली इम्यून सिस्टम होता है और वे कोरोना से लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वे मैदान में सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, वे जिम्स में भी वे नियमों का अनुसरण करेंगे। वहीं उन्होंने सरकार को खेल मैदान खोलने के लिए धन्यवाद किया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸੋਲਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਨਿਧੀਸ਼ ਵਾਲੀਆ। ਅਤੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਭੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ ਦਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹਤਾ, ਉਸਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਬੜੀਆ ਰਹਤੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਤੋ ਘਰ ਪੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿਆ। ਤੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੈਸੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ ਦਿਆ, ਤੋ ਇੱਧਰ ਹਮ ਆਤੇ ਹਾਂ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਹਮਾਰਾ ਬੜੀਆ ਰਹਤਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨ ਵੀ ਆਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਂ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਾਲਣ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲਨ ਮੇਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਲਗਾ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੂਟ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੀਏ ਸਭ ਦੇ ਸਭ। ਬਾਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਘਰ ਮੇਂ ਬੈਠਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਕਹਾਂ ਬੈਠਤੇ ਥੇ ਜੀ ਘਰ ਮੇਂ। ਅਬ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਮੇਂ। ਪਰ ਜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। मेरा नाम राजन गुप्ता है, मैं सोलन का नागरिक हूँ। मैं सोलन में ही रहता हूँ, मेरा घर ग्राउंड के साथ ही है। जैसा कि काफ़ी समय से, लंबे समय से कोरोना का संकट चल रहा है पूरे वर्ल्ड पर, उसके दृष्टि में देखते हुए जैसे हम पहले ग्राउंड भी नहीं जा सकते थे, जैसे घर पे ही कैद रहते थे, जैसे गवर्नमेंट ने अब थोड़ा सा ढील दी है समय में, ग्राउंड वगैरह हम जा सकते हैं अब, जैसे अब हम जिम नहीं जा सकते, जैसे हम जिम जाते थे पहले, अब जिम नहीं जा सकते हैं, तो उसलिए हम काफ़ी निराश थे घर पर। जो पहले थे हम बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा संकट में थे, घर पर हमारा टाइम पास नहीं होता था। अब थोड़ा ग्राउंड खुला है, थोड़ा फिटनेस वगैरह, थोड़ा इम्यून पावर के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इससे। और मास्क वगैरह, मास्क लगाते हैं हम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग भी करते हैं यहाँ पर। जैसे इसी तरह आप देखा जाए कि जिम में भी देखा जाए, तो हम जिम में भी फॉलो करेंगे, बट हमारे जिम्स नहीं खुल रहे हैं। जैसे हम जिम में हम सोशल डिस्टेंसिंग भी रखेंगे, मास्क वगैरह, जैसे सरकार के नियम होंगे वैसे उसी तरह से हम रूल्स को फॉलो करेंगे। और भी कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, कहने का मतलब यहाँ बच्चे भी बहुत खुश हैं, मतलब खेलने में। आज पहली बार बड़े लॉन्ग टाइम बाद आज मैंने क्रिकेट खेला, तो वैसे बहुत अच्छा फील हुआ, खेलते हुए भी बड़ा मज़ा आया, लगा कि कुछ कि हाँ अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को यहाँ पर टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, और लॉकडाउन का मीन्स कहने का मतलब, एक जो पहले हम घर पे रहते थे तो ओबियसली उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कैद सा महसूस होने लगा था, इसलिए कि हम शायद लगता है हम जेल में हैं, ओबियसली लगता है ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा होने लग गया था। बट इसके बाद थोड़ा खुलने के बाद बहुत शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस का लोग उसका वो भी कर रहे हैं, नियम का पालन भी कर रहे हैं, सरकार के निर्देश का जो चल रहा है वो भी हो रहा है, लोग बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली चाइल्ड जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत खुश है। लोग इस चीज़ से बहुत, कम से कम 2-2.5 महीने मैक्सिमम कुछ लोग बहुत परेशान थे इस चीज़ से कि हाँ कब खुलेगा कब खुलेगा। ऑब्वियसली हार्डली अब तो खुले हो चुका है, तो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मच फील मच बेटर।